Hi everyone, so I welcome you all to this PT365 economic series. So we have completed the fiscal policy one news topics, and now today we'll be starting with banking and monetary policy. So let's start with the topics. So our first topic is very simple, written in your booklet, is report on trends and progress of banking 2018 and 19. So basically, itna hai ki RBI ne ek report release kari hai अंडर द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट ऑफ 1949. उसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे COVID-19 के इफ़ेक्ट्स को मेजर करने के लिए उनको मिटिगेट करने के लिए कुछ मेजर्स लाए गए हैं. सो ये सारे मेजर्स एक एक करके वील बी डिस्कसिंग सारे न्यूज़ में. वो बस छोटा सा एक इंट्रोडक्शन टॉपिक है, सो आई एम नॉट इंक्लूडेड इन दिस. उसमें यही है कि कैसे NBFCs जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी पावर्स को उसमें लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स कैसे दिए हैं, पावर्स कैसे चेंज करी गई हैं. उसके बाद ये भी दिया है कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनके NPAs जो हैं वो रेशो डिक्लाइन हो चुका है. मतलब 9.1% जो एंड मार्च 2019 में था, इट इज़ राइट सितंबर 2020 में 7.5%. कोऑपरेटिव बैंक्स की इम्प्रूवमेंट जो है वो इम्प्रूव हुई है प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट क्वालिटी में भी. जितना भी बैंक्स के पेमेंट्स हैं जो भी प्रॉफिट में बदलने वाले हैं, उनके इनकम के जो सोर्स हैं वो भी थोड़े से प्रॉब्लम में है, वो पर हम सबको पता है क्योंकि माइग्रेशन हो चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. इसके अलावा जो हाउसिंग फाइनेंसर हैं उनको भी लोन एसेट्स वगैरह देने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए ना, प्रॉब्लम हो गई वही क्योंकि माइग्रेशन है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है और लॉकडाउन था. तो बस ये छोटी सी न्यूज़ थी. उसके बाद नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ चेंजेस इन बैंक लाइसेंस फ्रेमवर्क. सो इसमें दो चीज़ें पढ़ने हैं, कॉरपोरेट्स और NBFCs. जो लार्ज NBFCs हैं इनके बैंक लाइसेंस चेंजिंग के लिए बात चल रही है. RBI ने अपनी एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप को बढ़ाया था. उन्होंने सजेस्ट किया है कि कुछ लाइसेंसिंग नॉर्म्स में बैंकिंग इंडस्ट्री में चेंजेस की ज़रूरत है. सो पहले देखते हैं किसे बैंकिंग लाइसेंस क्या होता है. सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर कोई भी कंपनी इंडिया में वो बिजनेस जो बैंकिंग बिजनेस है उसको नहीं चला सकती अनलेस एंड अनटिल उसके पास लाइसेंस है. वो भी किसने दिया है? RBI ने. तो RBI गिव लाइसेंस अंडर दिस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. नाउ कौन कौन से चेंजेस हैं जो सजेस्ट किए हैं RBI की इंटरनल वर्किंग कमेटी ने? लार्ज कॉरपोरेट्स और इंडस्ट्रियल हाउसेज जो हैं उनको ये बोला है कि उनको एज अ प्रमोटर ऑफ बैंक अलाउ कर देना चाहिए. NBFCs जो हैं जिनके एसेट 50,000 करोड़, मतलब लार्ज NBFCs बड़े वाले हो गए या उनसे ज़्यादा, उनको बैंक्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए. और बोला गया है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या पेमेंट बैंक्स हैं उसमें पेमेंट बैंक्स को स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए. तो ये सारी न्यूज़ एक एक करके हम पढ़ेंगे. उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो बैंक्स का इन्वेस्टमेंट है नए या फिर एग्जिस्टिंग एंटिटी, मतलब अभी जो ऑलरेडी बैंक्स हैं और या फिर जो नए बैंक्स बनने वाले हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 20% पे कैप कर देना चाहिए. तो ये सारी न्यूज़ एक एक करके वील बी स्टार्टिंग. सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो अब इंटरनल वर्किंग कमेटी ने तो अपनी जो कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो तैयार करके दे दी. तो अभी हमें देखना है कि कॉरपोरेट्स और लार्ज NBFCs को अगर हम चेंज कर देते हैं बैंक्स में या इनका लाइसेंस चेंज कर दिया जाता है, इनको और पावर दी जाती है, तो उसके लिए बेनिफिट्स और चैलेंजेस क्या होंगे, मतलब कि एडवांटेजेस क्या होंगे और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे. तो उसके लिए सबसे पहले देखना है कि देखो कॉरपोरेट्स की एंट्री अलाउ कर देंगे और NBFCs को भी बैंक्स की तरह ऑपरेट करने के लिए दे देंगे. नाउ कॉरपोरेट्स को तो अभी जैसे ये है कि लाइसेंस वगैरह नहीं है, बस ये है कि मे बी अलाउड ये बोला है. इसमें एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ICICI एक बैंक है. अब चंदा गुर्जर का केस सबको पता है राइट, उनके जो हस्बैंड और उनके फ्रेंड थे उन्होंने कोई बिजनेस किया था और फिर उस बिजनेस के लिए लोन लिया था ICICI से. तो उन्होंने अलाउड कर दिया था. ICICI कॉरपोरेट नहीं है, ये एक बैंक है, तो भी उसमें इतना बड़ा जो फ्रॉड है, बट हाँ सही टाइम पे पता चल गया. फॉर एग्जाम्पल बजाज फिनसर्व या फिर रिलायंस बैंक बन जाए तो ये क्या करेंगे, ये पैसे अपने आप को ही देंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा. डायरेक्ट शो रहा है मनी विल बी गिवन टू देयर एंटिटीज. अब जैसे रिलायंस बैंक है, अब वो अपने जियो का कुछ काम होगा या बजाज फिनसर्व है वो अपने किसी कंपनी के अंडर उनको पैसे होंगे, तो वो अगर कॉरपोरेट बैंक्स बन जाएंगे या फिर उनको और पावर्स दे दी जाएंगी कमर्शियल बैंकिंग की, तो वो अपने आप को लोन्स देते रहेंगे. अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता रहेगा, तो इससे क्या होगा कि जो फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो हैम्पर होती जाएगी. डिपॉजिटर्स का जो इंटरेस्ट है वो हैम्पर होगा, मतलब जो डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने जो इन कॉर्पोरेट बैंक्स में अपने मनी सबमिट करेंगे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाएगी. अब इसमें एक ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मतलब ये मेन छोटे छोटे चैलेंजेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं.
एक चीज है कनेक्टेड लेंडिंग. कनेक्टेड लेंडिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल दिस कॉर्पोरेट हाउस ए, दिस कॉर्पोरेट हाउस बी एंड दिस कॉर्पोरेट हाउस सी. तीन हाउसेस हैं, ठीक है. इनके अपने अपने एसोसिएट बैंक्स हैं. ए का ए है, बी का बी है और सी का सी है. अब ये है कि ये ए हाउस जो है वो अपने ही बैंक से पैसे तो नहीं ले सकता, राइट. तो ये क्या करेगा, ये इसे बात कर लेगा बी से कि मैं आपको आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फाइनेंस करता हूँ, पैसे देता हूँ, ठीक है. बी क्या करेगा, सी को दे देगा. सी क्या करेगा, ए को दे देगा. तो ऐसे करके ये आपस में ही कनेक्टेड लेंडिंग कर रहे हैं. तो यहाँ पर भी रिस्क है, यहाँ पर भी रिस्क है. ऐसा ही जो ये अब यहाँ पर रिस्क क्या है, पहले तो प्रॉपर चेकिंग नहीं होगी कि ये जो प्रोजेक्ट है उसका कोई कोलेटरल रखा है नहीं रखा है, या फिर ये लोन कितने टाइम में वापस करेंगे, इंटरेस्ट वापस आएगा या नहीं आएगा, जो प्रोजेक्ट है वो रिस्की है या नहीं है, उसमें उसका जो सक्सेस रेट कितना है कितना नहीं है. तो ये सारी चीज़ें चेक नहीं करी जाएंगी. तो जब भी चेक नहीं करी जाएंगी तो यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा रिस्क है कि जो वो पैसे हैं वो डूब सकते हैं और फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी खराब हो सकती है, और जो डिपॉजिटर्स के पैसे हैं उनको उनके जो इंटरेस्ट है वो भी हैम्पर हो सकते हैं. ऐसे ही कॉर्पोरेट्स भी ये काम करना स्टार्ट कर सकते हैं. सो इन फ्यूचर टाइम में आरबीआई कैन रेगुलेट दीज लेंडिंग्स, सच इवेंट्स ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन विल बी कॉट एंड इट विल बी डेल्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. ये कनेक्टेड लेंडिंग का आर्ग्यूमेंट है कि फ्यूचर टाइम में आरबीआई जो है टेक्नोलॉजी की हेल्प से इस चीज़ को कॉट कर सकती है. दीज लाइसेंस चेंजेस दे आर ओनली रिकमेंडेशन एंड ओनली बाय द आरबीआई इंटरनल कमिटी. तो ये जो रिकमेंडेशन प्रोवाइड किए गए हैं कि कॉर्पोरेट बैंक्स को अलाउ कर देना चाहिए कमर्शियल बैंकिंग में उनकी एंट्री, और लार्ज एनबीएफसीज को लाइसेंस देना चाहिए कि वो बैंक के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, ये सारे अभी रिकमेंडेशन हैं. तो इफ वन गिव्स अ लाइसेंस टू कॉर्पोरेट्स तो उसके एडवांटेज यही है कि एक तो रिकैपिटलाइजेशन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेटिव इट इज एड इन रिकैपिटलाइजेशन बढ़ेगा. एंट्री री एंट्री ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर में कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा. तो फिर वही है कि लोन्स के जो अभी जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं अगर वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो वो एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा. बैंकिंग ऑप्शन डिपॉजिटर्स के लिए डाइवर्सिफाई कर जाएंगे, वो कहीं भी जाएंगे, है ना, तो कहीं भी जाके पैसे लेके आ सकते हैं. कहीं अगर उन्हें जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बैंक ए में जाती हूँ, अब यहाँ पे बैंक ए में जाती हूँ, मुझे नहीं पसंद आता है या फिर इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, लोन की फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो मैं फिर किसी कॉर्पोरेट बैंक में चल जाऊँगी, या फिर कॉर्पोरेट जो बैंक बने हैं जिनको भी कमर्शियल बैंकिंग के लाइसेंस दिए हैं उनके पास चले जाऊंगे. बट यहाँ पे चैलेंजेस भी वही हैं, वही चैलेंजेस वी हैव डिस्कस, राइट. द कनेक्टेड लेंडिंग वाला उसमें चलेगा, और उसके अलावा फिर यहाँ से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न्स जो होंगे वो दिखेंगे. कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. ऐसे ही एनबीएफसीज में देखिए तो एनबीएफसीज के बेनिफिट्स यही है कि इट विल एड्रेस द एसेट लायबिलिटी मिसमैच इशू. जैसे कि आईएलएफएस क्राइसिस के टाइम पे जो एसेट और लायबिलिटी का मिसमैच इशू हो गया था, तो अगर इनको हम बैंक्स में कन्वर्ट कर देते हैं या बैंक्स का लाइसेंस दे देते हैं तो ये वाला जो इशू है ये इसको हेल्प कर देंगे. और उसके अलावा जो डिपॉजिट्स हैं एनबीएफसीज के लिए वो बढ़ जाएंगे. लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि जितने भी एनबीएफसीज हैं वो दे आर लार्जली कॉरपोरेट. तो अगेन फिर वहाँ पे वही कंसर्न्स जो हैं सेम आते हैं. एनबीएफसीज का परफॉर्मेंस बहुत अभी टाइम पे देखा है कितना पुअर है, एनबीएफसीज बहुत रिलक्टेंट हो चुके हैं. तो ये सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैंकिंग लाइसेंस कॉर्पोरेट हाउस और एनबीएफसीज के लिए एंड अबाउट द कनेक्टिंग लेंडिंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020. सो दिस इज इसमें थोड़ा सा पहले मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ. सो रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास किया है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, जिससे कि डिपॉजिटर्स जो कोऑपरेटिव बैंक्स के हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगा. एंड आरबीआई को एम्पावर किया है कि वो कोऑपरेटिव बैंक्स की बैंकिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर सके. सबसे पहले ये देखते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं. सो कोऑपरेटिव बैंक्स फाइनेंशियल एंटिटीज़ होते हैं जो कोऑपरेटिव बेसिस में, मतलब जो लोग कुछ पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप है उनको आपस में ही लोन्स की ज़रूरत है तो वो एक दूसरे को लोन्स प्रोवाइड कर देते हैं. ऐसे फिर कोऑपरेटिव्स बन जाते हैं, ठीक है. इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक अर्बन एंड एक रूरल. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ ईदर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 2002. रेगुलेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इज स्प्लिट बिटवीन आरबीआई और सेंट्रल स्टेट. तो रेगुलेट कौन करता है, उनको आरबीआई भी कर रही है और सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं. बाकी जो स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको नबार्ड या स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिवाइड कर रखा है उनके रेगुलेशन के लिए. इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में, जो एक सिंगल स्टेट या फिर मल्टी स्टेट
की केस में जो है वो सेंट्रल देखेंगे, स्टेट के केस में जो है वो स्टेट के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखेंगे, और अगर बहुत सारी स्टेट्स होंगे तो वहां पे सेंटर। नाउ ये जो एक्ट है इसमें ये है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है 2020 का, इट विल इशू द शेयर एंड सिक्योरिटीज बाय कोऑपरेटिव बैंक्स टू द मेंबर्स जो भी उस एरिया में रह रहे हैं काम करने के लिए। सी कोऑपरेटिव बैंक्स का डुअल रेगुलेशन है, वी हैव रेड अबाउट दिस। ठीक है, एक तो हमने देख लिया कि आरबीआई है, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, तो इन दोनों का है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी कैसे। जी कोऑपरेटिव बैंक्स की ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिसको पैसे चाहिए उनके ग्रुप में उनको वो दे देंगे। तो बहुत सारी कोऑपरेटिव मूवमेंट्स है इनने, फिर ये मूवमेंट्स हुई, उसके बाद वो धीरे धीरे फाइनेंस फील्ड में फॉर्मल होते चले गए। फिर उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक्स के जो रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस जो है वो मिलते गए बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स का मैंने बता दिया कि सेंट्रल होगा, जैसे कि पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, तो या इनके ऑपरेशंस अगर महाराष्ट्र में होंगे तो वो रेगुलेटर महाराष्ट्र गवर्नमेंट होगा, और इनके ऑपरेशंस अगर पंजाब में होंगे तो वहाँ का रेगुलेटर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट का होगा। नाउ कमर्शियल बैंक्स का रेगुलेशन जो है वो है आरबीआई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आरबीआई देखता है कि कैसे लेंडिंग करनी है, कैसे ऑडिटिंग करनी है, रिक्रूटमेंट कैसे होगा, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, बैंक्स ब्रांचेस कहाँ कहाँ खोलनी है, कैसे खोलनी है, ये सारी चीज़ें आरबीआई देखती है। इसके अलावा जो कोर बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं वो भी आरबीआई देखती है, जैसे सीआरआर मेंटेन कितना करना है, बीएसएल नॉर्म्स मेंटेन करने हैं, पीएसएल नॉर्म्स मेंटेन करने हैं, कि सारा पढ़ेंगे अभी, तो ये सारी चीज़ें भी आरबीआई देखता है, मतलब दोनों चीज़ें आरबीआई यहाँ पे देख रहा है। कोऑपरेटिव बैंक्स के केस में क्या होता है कि जो कोर बैंकिंग रेगुलेशंस हैं, जो डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहे, वो आरबीआई देखता है। लेकिन उसके अलावा कि ऑडिट, ये जो रिक्रूटमेंट है वो कैसे होगा, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, बैंक की ब्रांचेस कहाँ होंगी कहाँ नहीं, ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो स्टेट्स देखती हैं। इन दोनों के रेगुलेशन की वजह से जो है यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपॉइंटमेंट स्टेट ने किया है, ठीक है, तो टॉप लेयर पर्सन जो होंगे वो स्टेट के होंगे। ठीक है, अब बैंक्स की एबिलिटी क्या है कि इंटरेस्ट को, मतलब जितने भी इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना है, पीएसएल नॉर्म, सीआरआर, ये सारी चीज़ें आरबीआई देखेगा। लेकिन जब टॉप लेवल पे ही कोई स्टेट का पर्सन बैठा हुआ है तो वो फिर, फॉर एग्जांपल वो पॉलिटिकल पर्सन है, ठीक है, तो उन्होंने अपने पर्सनल, मतलब कोई पॉलिटिकल पर्सन है, उन्होंने अपने ही स्टेट में अपने ही पर्सन को टॉप लेवल पे बिठा दिया कि ये सारे जो नॉर्म्स हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट वगैरह ये सब आप देखो, तो क्या वो उन नॉर्म्स को कंप्लाई कर पाएंगे? तो वो तो अब लोन अपने पॉलिटिकल वर्क्स के लिए देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, रिस्की लोन हो जाएंगे। अब यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हैम्पर कर जाएगा। आरबीआई जो है अब वो ये ऑपरेशंस के लिए बोल सकता नहीं है, क्योंकि ऊपर जो है टॉप लेयर पे वो कोई और बैठे हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं इन सबको देखते हुए ज़्यादा रेगुलेशन कोऑपरेटिव्स का आरबीआई के अंडर आए इस बिल को लाया गया है। अब आरबीआई कैन आल्सो ओवररूल द टॉप लेयर्स रूलिंग्स, जो भी टॉप लेयर के रूलिंग्स हैं उनको ओवररूल कर सकता है, और ये कह सकता है कि डिपॉजिटर्स मनी जो है वो रिस्क में है, तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो। If bank shows the signs of stress or weakness or failure, तो RBI can also merge, उन्हें merge कर सकता है, या फिर उनके जो bad assets या good ones हैं उनको separate कर सकता है, ताकि banks की health जो है वो improve रहे। So it is to protect the depositors of cooperative banks and empowers the RBI to regulate banking activities of cooperative societies. Supersession of board of directors, so RBI may supersede the board of directors multi-state cooperative banks में up to 5 years conditions के साथ। इट एक्ट, दिस एक्ट ऑल्सो अलाउज द सेंट्रल बैंक टू इनिशिएट अ स्कीम फॉर रिकंस्ट्रक्शन और अमेलगमेशन ऑफ अ बैंक विदाउट प्लेसिंग इट अंडर द मोरेटोरियम। मोरेटोरियम मतलब कि एक टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड जो दे देते हैं ब्रीफ के लिए, दैट इज कॉल्ड एज मोरेटोरियम। इसमें जो प्राइमरी कुछ एक्सेप्शन हैं जहाँ पे आरबीआई जो है ये चीज़ नहीं कर सकता है टॉप लेयर के लिए, वो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक्स। आरबीआई कैन एग्जेम्प्ट सर्टेन बैंक्स फ्रॉम प्रोविजंस थ्रू इट्स नोटिफिकेशन। तो ये दो जो है एक्सेप्शन है, इसके अलावा भी आरबीआई चाहे तो वो और एक्सेप्शन दे सकते हैं इस कोई भी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इफ दे वॉन्ट दे कैन। एक ये छोटा सा यहाँ पे दे रखा है, बस इट इज रिलेटेड वर्ड गार्ड, बस ये देखना है। फाइव पिलर स्ट्रैटेजिक अप्रोच है साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गार्ड क्या है, दैट इज गवर्नेंस ओवरसाइट यूटिलिटी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट अप्रोप्रिएट रेगुलेशन सुपरविजन रोबस्ट कोलैबोरेशन डेवलपिंग नेसेसरी आईटी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स सेट एक्सेट्रा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज। ओके, सो
वाई इट इज़ इन न्यूज़। सो रिसेंटली आरबीआई अलाउड आरआरबीज टू एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, कॉल और नोटिस मनी मार्केट। एट प्रेजेंट आरबीआईज आर नॉट परमिटेड टू एक्सेस द लिक्विडिटी विंडोज ऑफ आरबीआई एज वेल एज फॉर द कॉल और नोटिस मार्केट। सबसे पहले देखते हैं कि रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं। RBIs are set up as a state-sponsored, they are state-sponsored, regionally based and rural-oriented institutions under the Regional Rural Banks Act of 1976. इसके अंदर इसको लाया गया है। They are regulated by RBI. Regulation कौन कर रहा है? RBI. But supervised कौन कर रहा है? Supervision है NABARD. Supervision is by NABARD and regulation is by RBI. दे आर जॉइंटली ओन्ड बाई सेंटर स्टेट गवर्नमेंट एंड सम स्पॉन्सर बैंक। तो इनका रेशो होता है कुछ, तो सेंटर स्टेट और सम स्पॉन्सर बैंक। तो सेंटर का यहाँ पे जो प्रपोर्शन है कैपिटल में दैट इज 50%, स्टेट का इज 15% एंड स्पॉन्सर बैंक इज 35%। ओके, अब इनका काम क्या है? वही कि जो क्रेडिट नीड हैं स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, सोशल इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, उनको देना, किसके लिए? लोन्स प्रोवाइड करने फॉर एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, इन सारी चीज़ों के लिए। एंड ऑल्सो इट रिड्यूस द रीजनल इम्बैलेंसेज एंड इंक्रीज द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज़। इट वॉज सेटअप, RRBs वॉज सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप 1975 में। देर आर सम इशूज़ फेस बाई RRBs, जैसे कि फाइनेंस इनएडिक्वेट है, बहुत सारे लोन रिकवरी जो है पुअर है, रिकवर नहीं हो पाया, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, रिजिडिटीज़ बहुत ज़्यादा है प्रोसेस के फॉर्म में। अब यहाँ पे जो न्यूज़ था उसमें ही टर्म समझते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड कॉल और नोटिस मनी, ये क्या होता है? ओके, सो LAF इज़ यूज इन मॉनिटरी पॉलिसी, जिसमें बैंक्स जो है मनी बोरो कर सकते हैं थ्रू द रीपर्चेस एग्रीमेंट दैट इज रेपो अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बैंक्स टू लेंड टू द RBI यूजिंग द रिवर्स। अब इसमें क्या है, जैसे बैंक्स है ना, उनको पैसे की जरूरत है, तो वट दे कैन डू इज बैंक्स कैन कीप सम कोलेटरल, कोलेटरल कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कोई स्टेट गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है विद द RBI. RBI विल गिव सम लोन, सम मनी टू बैंक एट सम इंटरेस्ट एंड दिस इंटरेस्ट इज नोन एज रेपो रेट। यही अगर बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है और वो RBI के पास अपने पैसे को रखते हैं, तो RBI उस पैसे के, मतलब RBI जो है उस पैसे के बदले इनसे कुछ इंटरेस्ट लेता है, फॉर एग्जाम्पल, तो दैट इज रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट इज जब RBI जो है वो बैंक्स को पैसे दे रहा है, उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है दैट इज रेपो रेट। नेक्स्ट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, इट इज अ वेरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए स्कीम बनाई हुई है। ये RBI ने इंट्रोड्यूस करा था ताकि जो इतने बहुत सारे किसी को एकदम से पैसे चाहिए, बिल्कुल एकदम से रात को पैसे चाहिए बैंक्स को, उनको कुछ प्रॉफिट देखना है या कुछ भी, किसी को पैसे लेंड करने हैं, तो उस केस में वो क्या करेंगे कि पैसे बोरो कर सकते हैं बैंक से। फॉर एग्जाम्पल SBI एंड HDFC, ठीक है, SBI को अभी तुरंत, मतलब किसी भी हालत में 1,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो क्या करेंगे, अलग अलग बैंक्स, फॉर एग्जाम्पल HDFC को फ़ोन करेंगे, ICICI को फ़ोन करेंगे, ठीक है, PNB को फ़ोन करेंगे, तो जितने बैंक्स हैं उनको फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि हम इतने पैसे दे दो, तो क्या करेंगे ये सारे जो बैंक्स होंगे ये इनको ओवरनाइट किसी भी टाइम पीरियड के लिए पैसे दे देंगे और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो रेपो रेट से ज़्यादा होगा, ठीक है, ये वाला जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ये बैंक्स वो रेपो रेट से ज़्यादा होगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है कॉल नोटिस और मनी मार्केट, इसमें क्या होगा कि कॉल मनी मार्केट में फंड्स जो हैं ये भी ओवरनाइट बेसिस में, लाइक 2 दिन से 14 दिन के लिए, जो MSF है इट इज़ मोर देन 14 डेज अप टू सम 100 डेज, और कॉल नोटिस और मनी नोट मार्केट क्या है, ये 2 दिन से लेकर 14 दिन के बीच बीच में ट्रांजैक्ट करेंगे, अपना ट्रांजैक्शन कर लेंगे और वापस भी कर देंगे। उसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट दिस PSL गाइडलाइंस, रिवाइज PSL गाइडलाइंस। सो रिसेंटली RBI रिवाइज PSL गाइडलाइंस टू इंक्लूड एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दैट इज लोन टू फार्मर्स फॉर सोलर इंस्टॉलेशंस एंड बायोगैस प्लांट्स एक्सेट्रा, इन लाइन विद द इमर्जिंग नेशनल प्रायोरिटीज। सो सबसे पहले देखते हैं कि वॉट आर PSL और ये काम कैसे करते हैं।
पीएसएल का कंसेप्ट जो था वो इसलिए आया था ताकि जो बैंक्स हैं वो स्पेसिफाइड सेक्टर्स या इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज हैं उनको दे सके, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एमएसएमईज, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, वीकर सेक्शंस, इनके अलावा जो भी जहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको लोन्स दे सके। नाउ इस मेथड का कुछ फीचर्स हैं, राइट? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक का वो डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन आरबीआई के अंडर है, वो टाइम टू टाइम बताती रहेंगी। प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस जो हैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रेफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये जो पीएसएल नॉर्म्स हैं ये हर कमर्शियल बैंक्स, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स सब पे लागू होता है। सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स जो साइजेबल मतलब जहाँ जहाँ पे वो कर सकते हैं ये जो अपने प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स को फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे करेंगे। इसकी इनको 40% है, 40% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। दो टर्म्स आपने सबने सुना होगा, दैट इज एडजस्टेड दिस, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट फॉर लेंडिंग टू दीज सेक्टर्स, तो उनको 40% एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज दिस एएनडीसी? एएनडीसी इज हाउ मच मनी, कितना पैसा मनी बैंक लेंड्स, मतलब बैंक ने कितनी लेंडिंग करी है उसका 40% उन्हें पीएसएल नॉर्म्स के लिए रखना पड़ेगा, ठीक है? और यही जो रीजनल रूरल बैंक्स या कोऑपरेटिव बैंक्स या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है उनको 75% रखना होगा, कितना उन्होंने लेंडिंग किया है पैसे उसका उन्हें 75% रखना होगा, और बाकी जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स या फॉरन बैंक्स उन्हें 40% रखना पड़ेगा। यहाँ पे हेयर इट इज NDTL, ये भी आपने एकदम सुना होगा, दैट इज द डिपॉजिट्स, ठीक है, दैट इज ऑल द डिपॉजिट्स। एएनडीसी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या है कि जो लेंड किया है वो। सो टोटल पीएसएल टारगेट फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विल आल्सो बी इंक्रीज फ्रॉम प्रेजेंट 40% टू देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू 75% बाय 31st मार्च ऑफ 2024। अब अगर कोई भी ये जो पीएसएल नॉर्म्स है इनको इनका शॉर्टफॉल हो रहा है, मतलब इसको इसके साथ ये कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जितना भी शॉर्टफॉल है वो सारा का सारा पैसा उन्हें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो नबार्ड के साथ इस्टेब्लिश है उसमें देना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी बैंक ने अपने पीएसएल नॉर्म्स को पूरा कर लिया है तो पीएसएल सर्टिफिकेट्स होते हैं, ताकि जैसे एसबीआई ने 40% मतलब 50% दे दिया है एंड एचडीएफसी जो है वो 30% दे पाया है, तो यहाँ से वो 10% का इनसे सर्टिफिकेट ले लेंगे और आपस में ही जो भी इनका सरप्लस होगा या जितना भी ये जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको आपस में ये निपटा लेंगे। तो दो तरीके हैं, या तो RIDF दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड नबार्ड के अंडर है उसमें दे दो पैसे, अगर आपका 40% नहीं आया है, जितना भी बचा है उतना देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप ऐसे सर्टिफिकेट से भी इसको सेटल कर सकते हैं। एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज। There is a small and very important news of a small finance banks. The difference here is very, very, very important. Let's look at the difference. So, payment banks and small finance banks. Who can promote? कौन प्रमोट कर सकते हैं? So prepaid card issuers, telecom companies, NBFCs, business correspondents, supermarket chains, corporates, reality sector cooperatives and PSUs. They all can promote this. Small finance banks को कौन प्रमोट कर सकते हैं? Individuals, professionals, जिनको 10 साल का experience है finance, NBFCs, microfinance companies, local area banks में. क्या उनकी requirements हैं? Payment banks के लिए minimum capital is of 100 crores and for small finance bank it is also 100 crores. 75% जो है government bonds में deposits होने चाहिए, इनके लिए भी जो 75% of loan है वो priority sector को जाने चाहिए, 25% of deposits बाकी सारे banks में, 25% of branches in unbanked areas. They have at least 26% investment by Indians. They maintain the reserve requirements. Get listed if net worth crosses 500 crore. अगर 500 crore से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इनको लिस्ट करना पड़ेगा। 25% ऑफ द ब्रांचेज इन अनबैंक्ड एरियाज, सेम यहाँ पर भी 25% था। बी फुली नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन, 1 lakh कैप फॉर डिपॉजिट इन वन अकाउंट, तो एक अकाउंट में 1 lakh तक का ही डिपॉजिट आप कर सकते हैं। कैपिटल लोन टू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एट 10% और 15% ऑफ नेटवर्थ,
उनको लोन्स दे सकते हैं, ये लोन्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। दे हैव अ बिजनेस कोरिस्पोंडेंट नेटवर्क, क्या क्या कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग ऑफर कर सकते हैं, पेमेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हैं, इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं, पेंशन सेल कर सकते हैं, बिल पेमेंट सर्विसेज कस्टमर्स को दे सकते हैं, एटीएम्स हो सकते हैं इनके अपने, एंड द बिजनेस कोरिस्पोंडेंट्स दे कैन फंक्शन एज बैंकिंग ऑफ अनदर बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या कर सकते हैं, दे कैन सेल फॉरेक्स टू कस्टमर्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, पेंशन दे सकते हैं, फुल फ्लेश्ड बैंक में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, कंट्री में एक्सपैंड हो सकते हैं, फुल फ्लेश्ड बैंक में ट्रांसफर होने का हो सकते हैं, बट वही आरबीआई अप्रूवल के साथ। सो पेमेंट बैंक्स छोटे हैं, पर उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और उसके बाद फुल फ्लेश्ड बैंक्स बन सकते हो। क्या नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं कर सकते, लोन्स एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज हैंडल नहीं कर सकते, एनआरआई डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या नहीं कर सकते, लोन्स एक्सटेंड नहीं कर सकते, फ्लोट सब्सिडीज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डील इन सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क वगैरह एंगेज्ड है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वी हैव डन विद रिस्पेक्ट टू दी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड दी पेमेंट बैंक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग रिकवरी एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। सो सरफाइसी एक्ट, आईबीसी एक्ट, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये सारा आप पढ़ते हैं। सबसे पहले लेट्स सी विद स्टार्ट विद सरफाइसी एक्ट ऑफ 2002। फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड दैट कोऑपरेटिव बैंक्स दे कैन यूज दी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट्स, दैट इज सरफाइसी एक्ट ऑफ 2002, फॉर द रिकवरी ऑफ डेट्स फ्रॉम इट्स डिफॉल्टर्स एंड कैन सीज एंड सेल देयर एसेट्स टू रिकवर ड्यूज। तो न्यूज़ में ये था कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यह बोला है कि कोऑपरेटिव बैंक्स भी सरफाइसी एक्ट को यूज़ करके अपने जो डिफॉल्टर्स से जो जितना भी डेट वगैरह है उसको, उनके एसेट्स को सेल करके अपने ड्यूज को रिकवर कर सकते हैं। पार्लियामेंट ने इस लॉ को लाया था, दैट इज सरफाइसी एक्ट। सरफाइसी एक्ट इसलिए लाया गया था कि जो एनपीएस का प्रॉब्लम था, ये जो बैंक बैड एसेट्स थे जो बैंक्स के लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहे थे, उनको ये लोग उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें। सो इट ओनली अलाउड दी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मतलब लेंडर्स जिनके लोन्स जो हैं वो किसी सिक्योरिटी के साथ हैं, ठीक है, ऐसे फॉर सिर्फ सिक्योरिटी के साथ, टू टेक पोजीशंस ओवर अ कोलेटरल सिक्योरिटी इफ द डेटर डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। जैसे कि हाउसिंग लोन किसी ने लिया है तो वहाँ पर उन्होंने अपना हाउस के पेपर्स को गिरवी रखा होगा, तो अगर वो पे नहीं कर पा रहे हैं तो उनके घर को ले लिया जाएगा उनसे, तो फिर इससे एसेट से रिकवरी कर लेंगे पूरे लोन की। The Act also provides procedure for registration and regulation of Asset Reconstruction Company ARC and allows them to carry out the business. So, Asset Reconstruction क्या है? It is the activity of converting NPA or a bad asset into performing asset. वही ये घर का papers है तो फिर उसको किसी भी तरह से asset बेच के पैसे recover करने हैं, बस अपने dues जितने banks के dues हैं उनको recover करना है। नेक्स्ट है सिक्योरिटाइजेशन, ये वो प्रोसेस है जिसमें जितने भी अभी एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देना है सिक्योरिटी एसेट्स के हेल्प से, ताकि जितना भी पैसे, जितना भी बैंक्स का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नुकसान हुआ है, किसी भी तरह से उन एसेट्स को बेच के वो पैसे रिकवर किए जा सकें। पहली बार कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए है। सो पावर इसमें यही है, बैंक्स के पास पावर है कि अपने आप सिक्योरिटी को कोलेटरल को ले सकते हो, सिक्योर्ड लोन्स के लिए ही है। बैंक्स जो अपनी सिक्योरिटी को किसी भी तरीके से चाहें तो वो डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सस्पेंशन ऑफ आईबीसी, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। हियर इट इज इंपॉर्टेंट न्यूज, सी एनफोर्समेंट ऑफ अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय लेंडर्स विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट आफ्टर गिविंग अ नोटिस पीरियड ऑफ 60 डेज टू द डिफॉल्टिंग बोरोवर या बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन टेक पोजीशन ऑफ द प्लेस्ड एसेट। मतलब 60 डेज का नोटिस दे देंगे जो भी डिफॉल्टिंग बोरोवर है, उसके बाद वो उसके एसेट्स को ले सकते हैं, उस एसेट को मैनेज कर सकते हैं, कोई भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं कि आप इनको मैनेज करो और हमारा पैसा हमें चाहिए, या डेटर्स को बोल, जो भी बोरोवर के डेटर्स हैं उनको बोल सकते हैं कि वो उनके ड्यूज़ को भी पे करना है विथ रिस्पेक्ट टू दी एसेट। एसेट के साथ साथ उनको पैसे भी पे करने पड़ेंगे, मतलब जितना भी उनका खर्चा है वो सारा वो ले सकते हैं। नेक्स्ट इज अ सस्पेंशन ऑफ दिस आईबीसी। आईबीसी को सस्पेंड क्यों किया गया था, इट वॉज अ न्यूज़। तो पार्लियामेंट ने इस बिल को पास किया है ताकि जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। सो इसमें सारे इंडिविजुअल्स, कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप्स, पार्टनरशिप फॉर्म्स वगैरह सब इसमें कवर्ड है। सी
इसमें सिक्योर्ड लोन्स नहीं, मतलब सरफाइसी में, सरफाइसी एक्ट जो था उसमें सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स थे, मतलब जहाँ पे कोई एसेट या कोलेटरल वगैरह है। आईबीसी में इट कवर्स सिक्योर्ड प्लस नॉन सिक्योर्ड, ठीक है, सिक्योर्ड और नॉन सिक्योर्ड दोनों। वही है जो बैंक्स के एनपीएज हैं या फिर कोई भी पेमेंट देने से मना कर रहा है, तो उसके केस में दो बनाए गए हैं, एनसीएलटी एंड डीआरटी, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो अगर इंडिविजुअल है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है ना, वो पैसे नहीं दे रहा या कुछ भी, तो उसके केस में डीआरटी देखेगा। कोई कंपनी है तो फिर उसके केस में एनसीएलटी वर्क करेगा। अब इसमें क्या है, 12 डेज का टाइम मिलता है पहले तो केस को एडमिट करने के लिए। 12 दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा कि आप केस को देखो, और ये सबसे पहले एडमिट करो कि ये इस केस में आईबीसी को आना भी है या नहीं आना है। इफ एक्सेप्ट, अगर केस एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे इंसॉल्वेंसी ऑफ दैट पर्सन हैज, मतलब द पर्सन हैज नॉट एबिलिटी टू पे द लोन, तो वहाँ पर क्या होगा कि जितने भी ओनर्स होंगे उस कंपनी के, उस पर्टिकुलर कंपनी के, पहले तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, और पोजीशन जो है वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ले लेंगे। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रिटर्न टू रन द कंपनी, एज वेल एज कि उनको ये सोचना है कि कैसे वो जो क्रेडिटर्स हैं, जो बैंक्स हैं जिन्होंने लोन दिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनके पैसे को कैसे सेटल करना है। पूरा प्लान बनाया जाएगा, पूरा प्लान देखेंगे, कंपनी को चलाते भी रहेंगे साथ में जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है। फिर वो क्या करेंगे, वो पूरा जो जितना भी उन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार करा होगा वो जाके क्रेडिटर्स को दिखाएंगे, मतलब जो बैंक्स या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको। अगर तो वो क्रेडिट्स एक्सेप्ट कर लेंगे तो ठीक है, फिर उसी तरह से काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, दे डू नॉट एक्सेप्ट, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते, अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो 180 डेज प्लस 90 डेज का ग्रेस पीरियड, ग्रेस टाइम पीरियड दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उस जो भी एसेट है उसको ऑक्शन किया जाएगा या लिक्विडेट कर दिया जाएगा। बिकॉज ऑफ कोविड मेनी एंटिटीज डिड नॉट पे बैक टू द क्रेडिटर्स, इन दैट केस चांसेस ऑफ डिफॉल्ट इंक्रीजेस, एकदम से ड्रास्टिकली बढ़ गए, तो बैंक्स विल गो टू आईबीसी नाउ। अब सारे बैंक्स आईबीसी के पास जाएंगे ये करो, देन दी ओनर्स वुड लूज देयर कंट्रोल, क्योंकि फिर वो तो इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आ जाएंगी, कंपनीज जो है वो लिक्विडेट हो जाएंगी। तो इस सारी चीज को रिकोगनाइज करके आईबीसी हैज बीन सस्पेंडेड फॉर सम टाइम लास्ट ईयर। बैंक्स विल टेम्पररली, दे वुड नॉट अप्रोच दी एनसीएलटी और दी डीआरटी फॉर स्टार्टिंग दी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स एट द सेम टाइम ड्यू टू कोविड। दीज देयर इज अ जेन्यून कंसर्न, क्योंकि ड्यूज जो है वो पे तो नहीं हो रहे, नॉन पेमेंट है, तो इट वुड सर्टेनली क्रिएट द सिचुएशन ऑफ एनपीएस एंड इट विल ड्रास्टिकली इंक्रीज इन एनपीएस विच विल लीड टू द प्रोविजनिंग, टू इंक्रीज द प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग मतलब कि बैंक्स को कुछ पैसा अपने लिए अलग से रखना पड़ता था। जब भी बैंक्स लेंड कर रहे हैं, मतलब जब भी कोई लेंडिंग हो रही है 100 रुपए की, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 100 रुपए की लेंडिंग है टू दी पर्सन, किसी भी पर्सन को लेंडिंग कर रहे हैं, तो उनको कुछ पैसा अपने बैंक्स में असाइड रखना पड़ता था। इस 100 रुपए में से, फॉर एग्जाम्पल, बोल देते हैं कि बैंक्स ने डिसाइड किया कि हम 10 रुपए अलग से रखेंगे, तो बैंक्स हैज टू सेट दिस अमाउंट, एंड बैंक्स ऑल्सो कैन नॉट सेट दिस अमाउंट फ्रॉम डिपॉजिटर्स मनी। ये जो 10 रुपये है ये डिपॉजिटर्स के मनी से बैंक नहीं अलग से रख सकता, उन्हें अपने ही प्रॉफिट या फिर ओनर के मनी या फिर बैंक का जो कैपिटल है उनसे रखना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट 100 रुपीज डज नॉट कम बैक, देन बैंक मस्ट हैव 10 रुपीज कि वो उस टाइम पे प्रोवाइड किए जा सकें। इफ 100 रुपीज बिकम्स एनपीए देन प्रोविजनिंग ऑफ 10 रुपीज विल इंक्रीज टू 25। अगर ये एनपीए बन गया, ये 100 रुपया जो है ये एनपीए बन चुका है, तो वो 10 रुपये 25 रुपये हो जाएंगे, दैट इज सबस्टैंडर्ड एसेट। उसके बाद अगर ये डाउटफुल एसेट है तो उसके बाद 100% असाइड रखना पड़ेगा अपने प्रॉफिट कैपिटल या कहीं से भी। दिस प्रोविजनिंग इट क्रिएट्स प्रेशर एट द बैंक्स, तो बैंक्स पे प्रेशर है ना, पहले 10 रुपये रखने पड़ रहे थे, अब 25 हैं क्योंकि वो सब स्टैंडर्ड एसेट बन गया। डाउटफुल एसेट बन जाएगा तो पूरे 100 के 100 रुपये रखने पड़ेंगे अपने प्रॉफिट, अपने कैपिटल, उसको कहीं और यूज़ कर सकते हैं, उसको लेंड भी तो कर सकते हैं, वो जो बैंक के प्रॉफिट का पैसा है उसको भी तो लेंड करते हैं ना बैंक, ये थोड़ी है कि डिपॉजिटर्स के मनी को ही लेंड किए जा रहे हैं, तो बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाएगी। अब आरबीआई सेड कि बैंक्स कैन सस्पेंड द रिकॉग्निशन ऑफ एनपीएस फॉर लॉन्गर टाइम ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक, बट द प्रोविजनिंग इज नॉट स्टॉप्ड, एटलीस्ट 10% प्रोविजनिंग वुड हैव टू बी डन बाय द बैंक्स। वो जो 10% वाला है, ये जो 100 रुपये में से 10 रुपये रखने हैं, दिस इज परमानेंट, ये कंपल्सरी है। उसके बाद जो सब स्टैंडर्ड एसेट या डाउटफुल एसेट्स में 25% या 100% वाला प्रोविजन था, उसको अभी के लिए हटा दिया गया है बाय द आरबीआई।
नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रेगुलेशन ऑफ आरबीसीज. सी आरबीआई इज दे आर रेगुलेटेड बाय सॉरी एनबीएफसी इज दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड सम आर बाय सेबी. ठीक है, जब लोन्स वोन्स का है तो आरबीआई उन्हें रेगुलेट करता है, उसके अलावा सेबी अगर इन्वेस्टमेंट का कुछ काम होगा. तो आरबीआई इज सपोज टू मूव फ्रॉम अ जनरल अप्रोच ऑफ लाइट टच रेगुलेशन टू वन दैट मॉनिटर्स लार्जर प्लेयर्स ऑलमोस्ट एज क्लोजली एज इट डज बैंक्स. टू इनेबल दिस आइडिया इट हैज प्रपोज द फॉलोइंग चेंजेस. तो आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो एनबीएफसी को उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे वो बैंक्स को क्लोजली मॉनिटर करते हैं. उसके लिए उन्होंने कुछ चेंजेस लाए हैं एनबीएफसी में. क्रिएशन ऑफ फोर लेयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिसमें बेस लेयर है, मिडिल लेयर है, अपर लेयर है एंड टॉप लेयर है. एंड अ डिग्री ऑफ रेगुलेशन इन ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द परसेप्शन ऑफ द रिस्क इन दैट सेक्टर. क्लासिफिकेशन चेंज फॉर एनपीएस ऑल्सो प्रपोज द क्लासिफिकेशन फॉर एनपीएस ऑफ बेस लेयर एनबीएफसीज फ्रॉम 180 डेज टू 90 डेज ओवरड्यू. यहाँ पे इसको समझते हैं पहले कि क्यों किया गया है और क्या क्या है इसमें. एनबीएफसीज को बेसल नॉर्म्स के रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होता है और बाकी सारे नॉर्म्स को भी. सीआरआर और एसएलआर मतलब जो सीआरआर और एसएलआर है उनको नहीं, इन्हें मेंटेन नहीं करना पड़ता. ठीक है, बिकॉज नो डिपॉजिट्स टेकन बाय द एनबीएफसीज. आरबीआई रेगुलेट करता है, सॉफ्ट लाइट टच था, ठीक है, दूर से ही. बट बिकॉज ऑफ क्राइसिस इन एनबीएफसीज एंड NPAs बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो RBI ने कहा है कि हम उनको क्लोजली देखेंगे. RBI regulates the banks closely because banks के पास depositors का money है, whereas NBFs है, NBFCs के पास है but very बहुत कम deposits होते हैं उनके पास. ठीक है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ time deposits, demand deposits तो वो भी नहीं होते हैं उनके पास. time deposits मतलब FD वगैरह जो है. To enable the regulation, RBI has made four layer structures. ठीक है, तो top layer अभी ये जो हमने देखा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ सुपरवाइजरी डिस्क्रिप्शन होगा, सुपरवाइज करेंगे. उसके बाद जो अपर लेयर है एनबीएफसीज की, यहाँ पे नई कैटेगरी है बैंक लाइक, मतलब बैंक लाइक रेगुलेशंस होंगे. अबाउट 20-30 अपर लेयर एनबीएफसीज फिल्टरिंग प्रोसेस से इन्हें यहाँ पे लाया जाएगा और फिर पूरे बैंक लाइक रेगुलेशंस होंगे. मिडिल लेयर एनबीएफसीज में दे आर मतलब थोड़ा सा कम रेगुलेशन, ऊपर वाले से थोड़ा सा कम होगा. ठीक है, लास्ट बेस लेयर में क्या होगा कि एनबीएफसीज उनका 1000 करोड़ का थ्रेशोल्ड है, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएशन नहीं है, तो वहाँ आपका रेगुलेशन थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा. इट विल सी अगर उन्हें फिर बाद में ऊपर वाली लेयर में लेके जाना है या नहीं. ओके, सो इट वाज इन द न्यूज. अब यहाँ पे एनबीएफसीज और बैंक्स का डिफरेंस है. सो डिमांड डिपॉजिट्स, एनबीएफसीज जो है दे कैन नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट्स, बैंक्स कैन एक्सेप्ट. चेक ड्रॉ करना है तो एनबीएफसीज कैन नॉट इशू चेक, बैंक्स कैन इशू. डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटीज एनबीएफसीज के पास नहीं है, बैंक्स के पास है. रेगुलेशन के लिए ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर आए थे और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के अंडर. बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय बैंकिंग एक्ट एंड एनबीएफसीज आर रेगुलेटेड बाय द कंपनीज एक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसीज. नेक्स्ट न्यूज इज स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज थ्रू द एसपीवी. सी कोविड टाइम पीरियड में एनबीएफसीज फेस सिचुएशन ऑफ लैक ऑफ कैश, पैसे नहीं थे, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी, तो इट हैज अ ग्रेटर चांस ऑफ नॉट बिकमिंग बैक मनी, नॉट कमिंग द बैक मनी. मतलब ऑलरेडी पैसे नहीं है और ये भी है कि कोविड की वजह से वापस पैसे नहीं आएंगे. Also, it cannot borrow. Also, the money has been stuck somewhere to some people. Also, no deposits. There are no funds. Deposits nahi hai, funds nahi hai. Also, it will not able to lend. So, it will ultimately lead to the crisis of liquidity ho jayegi. RBI ne ek NBFCs ke liye special arrangement laya gaya hai for lending money. It will purchase the debt of NBFCs. Ek special arrangement hai, that is SPV, Special Purpose Vehicle. Jo kya karenge? पैसे प्रोवाइड करेंगे इनके जो डेट्स हैं उनको खरीद लेंगे. फॉर एग्जांपल, लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल, दिस इज एन एनबीएफसी, दिस इज अ पर्सन वन. एनबीएफसी ने 10 करोड़ का लोन दे दिया उन्हें. नाउ पर्सन वन इज नॉट एबल टू पे बैक द लोन, नॉट एबल टू पे बैक द लोन. एनबीएफसी के पास अब पर्सन टू आ गया है लोन लेने. अब इसको लोन नहीं मिलेगा, इट विल नॉट गेट लोन क्योंकि उनके पास तो पैसे ही नहीं है
एनबीएफसी के पास तो पैसे है ही नहीं, क्योंकि ये 10 करोड़ तो उसके पर्सन वन के पास अटके हुए हैं और ये तो पैसे दे नहीं रहा है किसी भी कंडीशन में। खैर, आरबीआई ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल सेट किया है, इट इज सेट बाय आरबीआई। आरबीआई का ये जो है, इट विल परचेज दिस 10 करोड़ वाला जो लोन है वो एनबीएफसी से, मतलब एसपीवी जो है ये 10 करोड़ वाला लोन जो है इससे खरीद लेगा। इट विल बाय द 10 करोड़ लोन और इसको 10 करोड़ रुपए दे देगा। अब एनबीएफसी जो ये 10 करोड़ रुपए है, इसमें से जितना भी पर्सन टू को चाहिए वो उन्हें दे सकता है। नाउ दिस स्कीम इज एम टू इम्प्रूव देयर लिक्विडिटी पोजिशन और कोई भी पोटेंशियल सिस्टमेटिक रिस्क ना आए फाइनेंशियल सेक्टर में, उसके लिए है। इट विल परचेज, एस पी बी विल परचेज द शॉर्ट टर्म पेपर्स फ्रॉम एलिजिबल जितने भी एनबीएफसीज या फिर एचएफसीज हैं ऑफ डेट अप टू 30 करोड़, तो 30 करोड़ तक के डेट का वो खरीद लेंगे एंड दे विल यूटिलाइज द प्रोसीड्स ओनली फॉर एक्सटिंग्विशिंग द एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज। और भी मेजर्स जो लिए गए हैं उसमें है एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, 100% गारंटी कवरेज इज प्रोवाइडेड बाई एनसीजीटीसी कंपनी टू द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एनबीएफसीज फॉर एनी लॉसेज सफर्ड बाय देम ड्यू टू नॉन रीपेमेंट ऑफ द गारंटेड एमरजेंसी क्रेडिट लोन बोरोवर्स बाय एमएसएमईज एंड द मुद्रा लोन्स। नाउ मुद्रा योजना में एमएसएमई जो है इट वुड बी लेंडिंग मनी, ठीक है। एमएसएमई एक रिस्की एसेट है, एनबीएफसीज भी एमएसएमई को लेंड करते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इट समहाउ दी एमएसएमई ने जो लोन दिया है वो रिस्की एसेट है, इट एनबीएफसी ने भी पैसे दे रखे हैं, समहाउ इट फेल्स टू पे बैक द लोन, लेकिन वो जो लोन है इट इज़ गारंटेड बाय दी ECLGC, इन्होंने उसे गारंटी कर रखा है। तो इस केस में जो लोन गारंटेड है उसको कोई ना कोई पे कर देगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। सो इट इज़ एडिशनल फंडिंग उनको दे दिया है इस स्कीम में, 100% गारंटी जो दी गई है कि हाँ कोई ना कोई उसको फंड जरूर करेगा और वो पे हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग फॉर 5 years। इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट, द एक्ट लेज डाउन दैट आरबीआई विल इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट द रीजंस फॉर फेलियर, कि वो इन्फ्लेशन टारगेट पे क्यों नहीं पहुंच पाए, रेमेडियल एक्शन क्या क्या लिए जा सकते हैं, एंड एस्टिमेट ऑफ द टाइम विद इन विच द इन्फ्लेशन टारगेट शैल बी अचीव्ड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेमेडियल एक्शंस। नाउ लेट अस सी इन्फ्लेशन टारगेट में है क्या। सी हाउ डज द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क ऑपरेट्स इन इंडिया। इट वॉज इनिशिएटेड थ्रू द इन्फ्लेशन टारगेटिंग एग्रीमेंट ऑफ 2015। इट टास्क द मॉनिटरी पॉलिसी विद द गोल ऑफ अचीविंग द प्राइस स्टेबिलिटी। एक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी MPC बनाई गई, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ बिन फॉर्म्ड अंडर दिस अंडर ऑफ द RBI एक्ट ऑफ 1934। इसमें 6 members हैं, 3 internal एंड 3 external। सो 3 हैं external और 3 हैं internal। इंटरनल मेंबर्स कौन होंगे, आरबीआई के गवर्नर, गवर्नर ऑफ आरबीआई, डिप्यूटी गवर्नर, और ये होंगे चेयरमैन भी, ठीक है, और डिप्यूटी गवर्नर होंगे, और इनके अलावा कोई भी वन ऑफिसर ऑफ आरबीआई, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई कोई भी हो सकता है। एक्सटर्नल जो होंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट से होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स होंगे। तो ये क्या होंगे, इनको कोई भी नॉलेज एक्सपीरियंस होगा इकोनॉमिक्स, बैंकिंग या फाइनेंस या मॉनेटरी पॉलिसी के फील्ड में। तो 3 members एक्सटर्नल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगा। इनका काम है कि पॉलिसी रेट को फिक्स करना ताकि इन्फ्लेशन टारगेट हो सके। नाउ द एक्ट अडॉप्टेड ईयर ऑन ईयर चेंजेस इन द हेडलाइन CPI। नाउ व्हाट इज CPI? CPI रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर बास्केट, कि एक कंज्यूमर की बास्केट में क्या क्या है, ठीक है। अब CPI को लिया गया था WPI के ऊपर, पहले WPI था फिर उसके बाद CPI को ले लिया गया। तो ये क्या है, इसमें फूड इन्फ्लेशन भी आता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की इकोनॉमी में। तो टारगेट जो है वो 4% रखा गया विद एन अपर एंड लोअर टॉलरेंस बैंड ऑफ 2%, 4% प्लस माइनस 2%, ठीक है, मतलब ये 2% से लेके 6% तक है। द पॉलिसी रेट डिफरेंट फ्रॉम द इन्फ्लेशन रेट इज डिटरमाइंड बाय द मेजॉरिटी वोटिंग, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स हैं वो देते हैं। गवर्नर जो है यहाँ पे इनकी कास्टिंग वोट होता है, मतलब अगर टाई हो गया है तो फिर गवर्नर वोट करेंगे। 1 साल में 4 बार मिलते हैं और छोटे छोटे मतलब और भी बहुत सारे डिसीजंस जो है ये लेते हैं। इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट दिस एक्ट लेज डाउन RBI, कि वो गवर्नमेंट को बताएंगे कि कैसे फेल हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम्स नहीं थे। नाउ लेट मी टेल यू सिंपल इंफॉर्मेशन अबाउट द CPI। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रिवाइज द बेस ईयर ऑफ CPI
फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स. सी सीपीआई जो है चार नंबर्स में है, दैट इज सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स एंड सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज. पहले तीन जो इंडस्ट्रियल लेबरर, एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल लेबरर, इनको लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है, उसको मैनेज करता है. लास्ट वन इज दैट इज द सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय. नॉन मैनुअल एम्प्लॉय में CSO, that is Central Statistical Organization under the Ministry of Statistics and Program Implementation, वो इसको मैनेज करता है. This is the news which is important. Next news is monetization of deficit. Now let's see कि इसमें क्या है. Some economists, including the former RBI Governor C. Rangarajan, have suggested that government should monetize the deficit. What is meant by monetization of deficit? See, it is the expenditure of the government exceeds its income. The government is said to have incurred a fiscal deficit. So this deficit financing has to be done either by borrowing from the market or monetization deficit through RBI. इसको समझते हैं. Okay, so what is monetization? See, when it comes to government, the government can borrow from various sources like market से, और इट कैन ऑल्सो फ्लोट दी बॉन्ड्स, बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, वहाँ से भी पैसे आ सकते हैं. सो वी गिवन मनी टू गवर्नमेंट ऑलरेडी, तो बोरोइंग विल बी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मनी इन द मार्केट. मतलब ऑलरेडी जो मार्केट है, मार्केट में पैसा है जितना भी, गवर्नमेंट उसी से बोरो करेगी. सेकेंड इज गवर्नमेंट इशू ट्रेजरी बिल्स टू RBI टू मोनिटाइज एंड आस्क RBI टू प्रिंट न्यू मनी इन रिटर्न. तो गवर्नमेंट क्या करती है कि बिल्स इशू करती है, टी बिल्स. दिस इज गवर्नमेंट, दिस इज RBI. तो गवर्नमेंट ये टी बिल्स RBI को इशू करेंगी और कहेगी कि आप प्लीज़ न्यू मनी प्रिंट करिए और ये हमसे खरीद लीजिए. डज नॉट बोरो एग्जिस्टिंग मनी सप्लाई. तो अभी ये जो पैसा गवर्नमेंट ने लिया, ये एग्जिस्टिंग मतलब ऑलरेडी जो पैसे थे मार्केट में, एग्जिस्टिंग मनी सप्लाई जो थे वहाँ से नहीं लिया. नया न्यू मनी हैज़ बीन प्रिंटेड फॉर दिस, इट इज़ आस्क्ड. न्यू मनी इज़ एडेड इन द इकोनॉमी. इस टी बिल के बदले ये जो बिल गवर्नमेंट ने इशू किया, इसके लिए नए मनी को इकोनॉमी में लाया गया. सो अब ज़्यादा खर्चा होगा क्योंकि जितना कमा रहे उससे ज़्यादा, तो डेफिसिट हो जाएगा. तो मोनेटाइजेशन और डेफिसिट से, अब यहाँ पर ये दिस इज कॉल्ड एज मोनेटाइजेशन. जब गवर्नमेंट ने डेफिसिट, कब होता है डेफिसिट, मतलब पैसे की कमी रहे, मतलब जब खर्चा ज़्यादा हो जाए. खर्चा इज मोर देन द रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के पास आ रहा है. तो जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया है, मतलब जो हमारी सैलरी आती है फॉर एग्जाम्पल, तो हम खर्चा ज़्यादा कर देते हैं ना. स्पेंडिंग इज मोर देन सेविंग, या फिर स्पेंडिंग सैलरी से भी ज़्यादा कर दी, मतलब पुराने महीने की भी सैलरी बढ़ी हुई, तो बोरो करना पड़ेगा ना आप कहीं से. वैसे ही डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बोरो करती है. जब एग्जिस्टिंग मनी सप्लाई से ले रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब वो नया मनी प्रिंट कर रही है, दैट इज नोन एज द मोनेटाइजेशन. इट आस RBI टू प्रिंट न्यू मनी इज नोन एज मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट. नाउ डायरेक्ट में तो ये है कि डायरेक्टली गवर्नमेंट ने बोला कि ये लो टी बिल्स पकड़ो, नया मनी को प्रिंट कर दो, दैट इज डायरेक्ट मोनेटाइजेशन. जो टाइप करता है डायरेक्टली, डायरेक्टली बोल दिया. इनडायरेक्ट तरीका क्या है कि गवर्नमेंट नए बॉन्ड्स को प्रिंट करेगी. ठीक है, ये यहाँ पे न्यू बॉन्ड्स गवर्नमेंट ने प्रिंट कर दिए, मार्केट में सेल कर दिए. सेल्स इन मार्केट, यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे लोग थे, उन्होंने खरीद लिए. अब साइमल्टेनियस साथ साथ में ये गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट एक तरफ ये कर रही है, साथ साथ में RBI क्या कर रही है, RBI जो है मार्केट से इन वाले बॉन्ड्स को खरीद लेगी. ठीक है, और मनी डाल देगी. अब ये वाले खरीद लिए, जब ये वाले खरीदे RBI ने तो पैसे डाल दिए, अब यहाँ पे पैसे आ जाएंगे काफी सारे मार्केट में. करेक्ट, तो ये कैसा हुआ है यहाँ पर. सी दिस वॉज द मनी सप्लाई. यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये वाला पैसा अपने बॉन्ड्स दे के ये पैसा ले लिया गवर्नमेंट ने. वहीं पर दूसरे साइड में RBI क्या करता है, RBI नया पैसा यहाँ पर डाल देगा. तो पैसे क्या हो गए, बराबर. पहले इतने थे, इतना ही RBI ने दोबारा कर दिया. तो दिस इज इनडायरेक्ट, एडेड इनडायरेक्टली. टिल 1997 गवर्नमेंट ऑलवेज शो द डेफिसिट बजट एंड आस RBI की अब नया मनी प्रिंट करो. और इससे क्या हो गया कि करेंसी की जो वैल्यू है वो डिटोरिएट होने लग गई, घटने लग गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया. इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ करेंसी, नॉट हाई इन्फ्लेशन ना हो, RBI गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया
दैट इज वेज एंड मीन्स एग्रीमेंट एडवांस्ड वेज एंड मीन्स एडवांस एग्रीमेंट को साइन किया गया। गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम ज़्यादा टी बिल्स इशू नहीं करेंगे आरबीआई को, और ये नहीं कहेंगे कि नए मनी को आप प्रिंट करो, मतलब मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ाओ, ठीक है। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन इन दिस कि मोनेटाइजेशन डेफिसिट वाज इन प्रैक्टिस इन इंडिया टिल 1997। सेंट्रल बैंक ऑटोमेटिकली मोनेटाइज द गवर्नमेंट डेफिसिट थ्रू द इशूएंस ऑफ एड हॉक ट्रेजरी बिल्स। 1994-1997 टू एग्रीमेंट साइन बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई कंप्लीटली फेज आउट द फंडिंग ऑफ एड हॉक ट्रेजरी बिल्स। ओके, उसके बाद अब आया एफआरबीएम एक्ट ऑफ 2003। तो गवर्नमेंट हैज बीन अंडर रेस्ट्रिक्शन टू बोरोइंग, अब गवर्नमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन के लिए, मतलब बोरिंग करने के लिए एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी, पाबंदी लगा दी। तो गवर्नमेंट प्रिंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आरबीआई विल नॉट बाय दीज बॉन्ड्स और एल्स गवर्नमेंट विल सेल देम इन द मार्केट। नाउ ड्यू टू कोविड इट वाज प्रपोज दैट गवर्नमेंट कैन मोनेटाइज, गवर्नमेंट हैज नॉट रिसोर्टेड पर्से टू मोनेटाइजेशन बट बाय इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू द आरबीआई, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स आरबीआई को दे दिए। आरबीआई प्रिंट न्यू मनी बट नो ऑन एन इकोनॉमी, सो कंडीशन ऑफ रीपेमेंट और प्रॉमिस। अब आरबीआई ने, मतलब गवर्नमेंट ने अपने बॉन्ड्स दिए कोविड के टाइम पे, अब ऑब्वियस है कि बहुत प्रॉब्लम थी, लॉकडाउन था, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा शैटर कर गई थी। बॉन्ड्स आरबीआई को दे दिए, आरबीआई ने बोला नए मनी प्रिंट करेंगे, नए मनी प्रिंट कर दिया बट ऑन अ प्रॉमिस। पहले 1997 से पहले क्या था, ये एफआरबीएम एक्ट वाला जो लाए गए हैं उससे पहले यहाँ पर क्या था कि कोई प्रॉमिस नहीं था, बट हियर इज अ कंडीशन कि प्रॉमिस करना पड़ेगा, और ये इनडायरेक्ट रीपेमेंट से किया गया है। इन प्रेजेंट केस गवर्नमेंट ने मार्केट में डाल दिए, तो गवर्नमेंट विल आरबीआई से बोल दिया, आरबीआई ने उनको मार्केट में डाल दिया और बोला है कि ओके गवर्नमेंट आप हमें पे कर देना, अभी के लिए हम कर देते हैं। आरबीआई ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट, अब आरबीआई ने गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया। सी आरबीआई की बैलेंस शीट होती है कुछ, ठीक है, आरबीआई की बैलेंस शीट में कुछ होते हैं एसेट्स और कुछ होते हैं लाइबिलिटीज। एसेट्स क्या क्या है, गोल्ड, फॉरेक्स रिजर्व्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज़ क्या है, करेंसी, जितनी भी मार्केट में करेंसी है, बैंक के डिपॉजिट, गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स, ये सारे। अब एसेट्स पे तो आरबीआई कमा रही है, ठीक है, गोल्ड भी अप्रिशिएट होता है ना, रेट बढ़ता रहता है, फॉरेक्स रिजर्व भी अप्रिशिएट हो रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे भी आरबीआई को कुछ तो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इनकम यील्ड हो रही है यहाँ से। करेंसी जो है वो इतने पैसे है नहीं, ठीक है, करेंसी जो सर्कुलेशन में है वो बहुत कम पैसे में बन जाती है, तो वहाँ पर भी जो है आरबीआई को यहाँ पर नुकसान नहीं है। जो बैंक डिपॉजिट गवर्नमेंट डिपॉजिट में है तो उन पर भी बहुत कम इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो जो रिवर्स रेपो रेट होता है जो हमने पढ़ा था वो भी इतना ज़्यादा होता नहीं, मतलब कम है, मतलब इनकम इज एसेट्स आर मोर देन लाइबिलिटीज आरबीआई के केस में, तो आरबीआई का जो प्रॉफिट जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाला जो है, दिस इज अनदर टॉपिक, दैट इज आरबीआई ट्रांसफर्स टू गवर्नमेंट। सो लेट्स सी इसमें देखते हैं कि क्या है। सी वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, ऑल्सो वी हैव लुक्ड इनटू कि आरबीआई के बैलेंस शीट में क्या होता है, व्हाट आर द एसेट्स एंड व्हाट आर द लायबिलिटीज, सो दैट इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो इन कंटिन्यूएशन इट इज आई एम टेलिंग, सो आरबीआई हैज सम एसेट्स एंड ऑल्सो हैज सम लायबिलिटीज। सो एसेट से वो अपनी इनकम जनरेट करता है, लाइबिलिटीज से आरबीआई जो है वो जो इंटरेस्ट देने हैं वो देता है, एंड एज वेल एज द करेंसी को प्रिंट करने का कॉस्ट है वो बेयर करता है। ऑल्सो द करेंसी विच आरबीआई प्रिंट्स ऑल्सो इट इज रिटन इज आई प्रॉमिस टू बेयर द मनी वट एवर, ठीक है, वो जो लाइन लिखी होती है दैट मीन्स कि वेन एवर आई गो टू आरबीआई विद सर्टन अमाउंट तो आरबीआई विल गिव मी बैक, लाइक मैं 2000 रुपीज का नोट लेके जाती हूँ तो मुझे आरबीआई उसमें 500 के 4 नोट्स देंगे, ओके, और वट एवर 100 के 20 नोट्स, लाइक दैट, वट एवर इट इज। और ऑल्सो अगर मैं कोई ऐसा नोट लेके जाऊँ विच इज प्रिंटेड इन 1980 100 रुपीज नोट आरबीआई के पास जाके दूँ तो आरबीआई इज अलायबल, इट इज द लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई टू पे मी बैक 100 रुपीज इन 2021 ऑल्सो बिकॉज ऑन 100 रुपीज नोट इट इज रिटन एज आई प्रोमिस टू बी एट द मनी दैट सो एंड सो इट इज रिटन एंड साइंड बाई द आरबीआई गवर्नर सो इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ द आरबीआई टू पे मी बैक 100 रुपीज। सो फॉर एग्जाम्पल आई बोरो मनी फ्रॉम बैंक तो इट इज माई लाइबिलिटी, वट इज द कॉस्ट ऑफ माई लाइबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल आई borrow money and I got the loan at 10%, okay,
सो आई हैव टू पे 10% ऑफ इंटरेस्ट. मुझे 0% पे नहीं मिला राइट, जो कुछ ना कुछ 10%, 5%, 7%, वट एवर द रेट्स में भी, आई हैव टू पे बैक द इंटरेस्ट विद द प्रिंसिपल अमाउंट. करेक्ट. नाउ एसेट साइड इज अप्रिशिएटिंग एंड यील्डिंग सम मनी. द एसेट साइड ऑफ आरबीआई इज यील्डिंग, लाइक वी हैव सीन इन दिस, द एसेट साइड ऑफ आरबीआई इज यील्डिंग सम मनी एंड लाइबिलिटी साइड में से थोड़ा सा पैसा जा रहा है. ठीक है, इट डज नॉट, इट कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली वेरी वेरी लो. तो मतलब आरबीआई बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है इस चीज में. सो लाइबिलिटीज डू नॉट कॉस्ट एनीथिंग, सो देयर इज सम इनकम दैट आरबीआई इज जनरेटिंग, अर्निंग इनकम अगेंस्ट द सर्विस इट इज प्रोवाइडिंग. और वो सर्विस कैसे है, दैट इज अ फेथ द ट्रस्ट विच वी पीपल हैव इन आरबीआई राइट. द फेथ जो हमने बना के रखा है आरबीआई, उसके वजह से इनकम अर्न कर रहा है आरबीआई. आरबीआई इज नॉट इन टू सम बिजनेस, आरबीआई का कोई बिजनेस नहीं है, बस एसेट साइज है, लाइबिलिटी साइड है, उसमें से वो अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं. ओके, हमारा फेथ है, हमारा ट्रस्ट है करेंसी में, तो हम उसको कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है राइट. कोई भी, बस एक पेपर है ना, एक पेपर ही तो है वो, इट इज अ फियट वैल्यू, इट इज अ लीगल टेंडर. तो आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक दिस ट्रस्ट इन आवर माइंड्स. तो फ्रॉम दिस इनकम, फ्रॉम दिस अर्निंग, आरबीआई कीप सम रिजर्व्स फॉर कंटिंजेंसी एंड नीड्स इज एक्सपेंडिचर दैट इज सैलरीज एक्सेट्रा. वट एवर रिमेनिंग अमाउंट इज लेफ्ट विद आरबीआई इट ट्रांसफर्स एंटायरली टू द गवर्नमेंट. ठीक है, तो जो भी आरबीआई के पास पैसे आ रहे हैं एसेट साइड से, लाइबिलिटीज का डिडक्शन कर लिया, आफ्टर डिडक्शन द लाइबिलिटीज, एसेट्स में से जो भी पैसा, जो भी इनकम आरबीआई जनरेट कर रहा है वो तीन जगह जाता है. एक जाता है कंटिंजेंसी में, दूसरा जाता है सैलरीज अलाउंसेस जो लोग रखे हुए हैं आरबी ने अपने अंदर काम करने के लिए, तीसरा इज डायरेक्टली ऑल डायरेक्टली ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बिमल जालन पैनल इट रिकमेंडेड द नॉर्म्स फॉर कंटिंजेंसी बफर, हाउ मच मनी टू आरबीआई केप्ट विथ आरबीआई, मतलब कितना पैसा आरबीआई को अपने पास रखना है. 2017-18 में आरबीआई ट्रांसफर्स एक्सेस मनी टू द गवर्नमेंट, दिस ईयर आरबीआई हैज इंक्रीज इट्स कंटिजेंसी फंड. तो इसलिए जो मनी ट्रांसफर की अमाउंट है, जो मनी ट्रांसफर की अमाउंट आरबीआई को गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, इट हैज बिन रिड्यूस्ड. तो जो पैसे पहले आरबीआई जो है वो दे देता था, मतलब वही मैंने बता दिया, कंटिजेंसी में रखते थे, सैलरीज अलाउंसेस को देते थे और गवर्नमेंट को देते थे, अब ये बढ़ा दिया गया है. अगर ये बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से पैसा कम हो जाएगा. तो इंक्रीज इन कंटिन्यूसी फंड प्रोविजंस बाय आरबीआई अकाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ एक्सचेंज रेट पॉलिसी ऑपरेशन, सिस्टमिक रिस्क एंड एनी रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन जॉइंट बाय आरबीआई, 67.5% फॉल इन आरबीआई सरप्लस डिविडेंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1920, क्योंकि उन्होंने वो बढ़ा दिया. तो आरबीआई ट्रांसफर 73,000 करोड़ टू इट्स कंटिजेंसी फंड. नाउ व्हाट इज कंटिजेंसी फंड ऑफ आरबीआई, इट इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन मेंट फॉर मीटिंग अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सीन कंटिजेंसी, मतलब कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी आ सकती है आरबीआई के आगे, जैसे कि एकदम से सिक्योरिटीज की वैल्यू कम हो गई, रिस्क आ गए, जो पॉलिसी रेट्स एक्सचेंज हो रहे हैं उसमें रिस्क आ गए, कोई सिस्टमैटिक रिस्क आ गए, या फिर कोई ऐसी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के ऊपर आ गई, तो उन सारी चीज़ों के लिए आरबीआई को पैसे रखने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल करेंसी रिस्क हो गया, इन गोल्ड के प्राइसेस का एकदम से कम हो जाना, तो एसेट साइड में जो आरबीआई का गोल्ड वाला है वो कम हो जाएगा राइट. इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उन सारी चीज़ों में जब आरबीआई को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है उस केस में वो कंटिजेंसी फंड अपना बना के रखता है. रिसेंटली आरबीआई हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू रिलैक्स द रूल्स गवर्निंग द विद्रॉवल फ्रॉम कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड. तो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड क्या है, ये 1999 में आरबीआई ने सेटअप किया था कि मार्केट लोन्स जो स्टेट्स के हैं उनको रिडम्प्ट करने के लिए. फंड्स आर मेंटेन्ड आउटसाइड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट्स एंड पब्लिक अकाउंट्स एंड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पसेस एक्सेप्ट फॉर रिडम्पशन ऑफ लोन्स. तो जो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड्स है उसमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने कुछ पैसे रखते हैं और कुछ फंड्स ऐसे मेंटेन करके रखने होते हैं जो कि स्टेट्स के कंसोलिडेटेड फंड या पब्लिक अकाउंट के अलावा हैं, जो भी लोन्स वो ले रहे हैं उसको रिडम्प्ट करने के लिए. सो द नेक्स्ट न्यूज, सेकंड लास्ट द नेक्स्ट न्यूज इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. तो इट reflects the risks to financial stability and the resilience of the financial system. तो इसमें ये देखो, एक तो तीन चीज़ें आती हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं फॉर दी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, जैसे SBI हो गया, HDFC ICICI वगैरह, और इनके ट्रेंड्स बताता है RBI, ठीक है. तो तीन बेसल नॉर्म्स हैं, दैट इज CRAR, GNPA एंड प्रोविजन कवरेज रेशियो. विल डिस्कस दिस वन बाय वन, और कौन सा इंप्रूव है, कौन सा इंप्रूव नहीं हुआ है वो भी डिस्कस करेंगे. सो पहला ये CRAR इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो. इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR भी बोलते हैं. ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द बैंक्स कैपिटल इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स एंड द करंट लाइबिलिटीज.
मतलब कि कितना कैपिटल है बैंक के पास बाय दी रिस्क वेटेड एसेट्स, मतलब कि कौन से ऐसे एसेट हैं जहां पर बैंक को रिस्क है। तो ये वाला जो रेशियो अकॉर्डिंग टू बेसल नॉर्म्स इट शुड बी 8%, ठीक है, ये 8% होना चाहिए। सो इन 2020 ऑफ मार्च वो है 14.7%, सितंबर 2020 में 15.8, तो मतलब इट हैज इम्प्रूव्ड, तो दिस रेशियो हैज इम्प्रूव्ड। नेक्स्ट इज ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, GNPA। अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज अ लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेंड ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। तो GNPA क्या है, वो एसेट जो वो लोन या वो कोई भी ऐसा पेमेंट जिसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट 90 डेज तक ओवर ड्यू है, मतलब अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। सो ये मार्च 2020 में इट वॉज 8.4%, सेप्टेम्बर 2020 तक इट वॉज 7.5%, तो इट इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड, इट हैज ऑल्सो इम्प्रूव्ड। लास्ट इज प्रोविजन कवरेज रेशियो, इट इज PCR। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू सेट असाइड अ पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट एज अ प्रोविजन बैड लोन्स, ये हमने पढ़ा था, इट इज प्रोविजनिंग मनी। इससे पहले हमने जो पढ़ा था न्यूज में, प्रोविजनिंग मनी क्या होती है वो, तो ये वही वाली प्रोविजनिंग मनी है। तो ये जो है जितना हाई होगा तो इट मीन्स कि ज्यादा एसेट क्वालिटी इशू रखे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब एसेट और क्वालिटी, एसेट की क्वालिटी की जो जरूरतें हैं वो पूरी की जा रही है बैंक की नहीं। सो ये मार्च में 66.2 था, सितंबर में 72.4, तो ये भी इम्प्रूव्ड हुआ है। ओके, ये छोटी छोटी कुछ और न्यूज हैं। तीन, द OMO इन दी SDLS, सो व्हाट इज इट, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करे ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज विद दी स्टेट गवर्नमेंट्स, सॉरी, व्हाइल द स्टेट गवर्नमेंट्स इशू ओनली द बॉन्ड्स और द डेटेड सिक्योरिटीज, इनको बोलते हैं SDLS, दैट इज स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड, डेटेड सिक्योरिटी कुछ भी इशू कर सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इशू ओनली बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज। सो दीज स्टेट डेवलपमेंट लोन्स दे आर द बॉन्ड्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स इशू करते हैं, और इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो यूजुअली हायर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज से। ये सेफ होते हैं एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिकॉज स्टेट्स जो हैं दे आर कंसिडर्ड सब सोवरेन। They also qualified for statutory liquid ratio and are also eligible as collaterals for borrowing through market repo as well as borrowings. मतलब कि statutory liquid ratio क्या है, जो banks को some 18%, अब एक तो CRR होता है, ठीक है, और एक होता है SLR। तो banks के पास for example 100 रुपये आए हैं, इसमें से 4 रुपये bank को CRR, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ cash में रखना होता है। SLR आप जो है वो government security या फिर gold ऐसे रख सकते हो। तो ये वाली जो government security, यहाँ पे जो state के loans हैं, ये जो SDLs हैं state development loans, इनको भी as a रखा जा सकता है। और repo मतलब कि जब banks हैं, जब banks को RBI से पैसे लेने होते हैं तो वहाँ पर जो रेपो रेट चार्ज करता है बैंक, मतलब जो इंटरेस्ट RBI चार्ज करता है बैंक से, दैट इज़ रेपो रेट। तो उसके लिए भी कुछ कोलेटरल देना पड़ता है बैंक्स को, वहाँ पर भी ये SDLs को बैंक्स यूज़ कर सकते हैं। सो अभी रिसेंटली ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर कंडक्टेड बाय RBI बाय द वे ऑफ सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है बाय द ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्केट में बेच दिया जाता है कि लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में एडजस्ट करी जा सके। तो अभी रिसेंटली स्टेट्स डेवलपमेंट लोन्स को भी इसमें लाया गया है। नेक्स्ट न्यूज इज वाइट लेवल, रिगार्डिंग वाइट लेवल ATMs ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज एंड कैश बाय स्पॉन्सर बैंक, सो व्हाट इज इन। तो वाइट लेवल ATMs जो है दे हैव अ मैनेजेबल एनुअल टारगेट्स, ठीक है, अर्लियर मतलब वाइट लेवल जो ATMs है ये ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज, मतलब ऑपरेट भी नॉन बैंकिंग एंटिटी करती हैं और ओनर्स भी, लेकिन जो पैसे हैं वो कोई स्पॉन्सर बैंक को नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। ATM में जो पैसे होते हैं वो कोई स्पॉन्सर बैंक को नहीं प्रोवाइड करता है। ATM मशीन जो है उनका खुद का कोई बैंक नहीं है, ठीक है, वो ओन और ऑपरेशन कोई नॉन बैंकिंग एंटिटी करती है, लेकिन पैसे जो है वो कोई स्पॉन्सर बैंक ही उन्हें प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है कि ATMs का जोग्राफिकल स्प्रेड बढ़ जाता है, ठीक है, सेमी अर्बन या रूरल एरियाज में ज़्यादा ATMs होते नहीं है, तो अगर ओनर्स और ऑपरेशन कोई और करेगा तो कैश तो कोई भी स्पॉन्सर बैंक प्रोवाइड कर देगा। इसके लिए कंपनीज को लाइसेंस चाहिए होता है RBI से, और वो है अंडर द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ओके, टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड फर्स्ट कंपनी है जिसने ये अपना वाइट लेबल ATM हम कंट्री में ओपन किया है। NPCI सारे ATMs को लिंक करता है, ठीक है, दैट इज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ब्राउन लेवल ATMs भी होते हैं विच आर ओन्ड एंड ब्रांडेड बाय बैंक्स बट ऑपरेटेड एंड मेड बाय थर्ड पार्टी, मतलब ब्राउन लेवल क्या होते हैं, वाइट लेवल हो गया जो कि ओन और ऑपरेटेड कोई और पैसे स्पॉन्सर, और ब्राउन लेवल में क्या होता है कि ओन्ड और पैसे जो है वो बैंक्स करेगा लेकिन ऑपरेशंस कोई और थर्ड पार्टी करेगी, ठीक है। लास्ट न्यूज इज डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स, सो RBI कंप्राइज, अब RBI का डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स है, इट कंप्राइज ऑफ 5 ब्रॉड पैरामीटर्स जो कि ये बताते हैं कि कैसे डिजिटल पेमेंट्स कंट्री में उनका डीपनिंग और पेनिट्रेशन कितना अच्छा हो रहा है। तो इसको RBI ने सोचा है कि और अच्छे से हम
डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इंडिया का बढ़ाएंगे। सो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स जो है इन्होंने लिए हैं। एसएमई एनुअल बेसिस पे मार्च 2021 से इन्होंने बोला है कि इट शैल पब्लिश्ड ऑन द आरबीआई वेबसाइट 4-4 महीने के गैप में, सो दैट पता लगता रहे कि कितना डिजिटल पेमेंट्स पेनिट्रेशन इंडिया में हो रहा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, एंड वील मेक मीट इन द नेक्स्ट वन।